एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मैच में। दोस्तों सबसे पहले आज आपको बता दूं टॉस के बारे में, तो जब आज टॉस हुई तो भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या टॉस को जीत कर पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पहले बैटिंग करने के लिए भारत यहां पर न्यूजीलैंड को मौका मिला। न्यूजीलैंड की दोस्तों टीम की ओर से आज फिन एलन और डिवॉन कॉनवे ओपन करने के लिए आए थे। वहीं फिन एलन आज के इस मैच में 23 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के इनके बल्ले से लगा। वहीं डिवॉन कॉनवे दोस्तों 35 गेंदों में 52 रन 7 चौके 1 छक्के डिवॉन कॉनवे के बल्ले से लगी। वहीं दोस्तों मार्क चैपमैन आज शून्य पर आउट हुए, ग्लेन फिलिप्स 17 रनों की पारी खेले, डैरिल मिचेल के शानदार बल्लेबाजी 30 गेंदों में यहां पर 59 रन 5 छक्के 3 चौके, माइकल ब्रिसवेल 1 रन, कप्तान दोस्तों 7 रन, वहीं पे सोडी का कोई रन नहीं आया। भारतीय गेंदबाजों की बात करेंगे तो कप्तान पांड्या को तो विकेट नहीं मिली, लेकिन अर्शदीप सिंह को एक विकेट मिला, वाशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिली, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला और शिवम मावी को 1 विकेट मिली। और इस तरीके से दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 176 रन दोस्तों बनाई 6 विकेटों के नुकसान पे, यानी कि भारतीय टीम को 177 रनों का टारगेट मिला। और जवाबी हमले में शुभमन गिल, ईशान किशन दोस्तों ओपन करने के लिए आए, लेकिन शुभमन गिल आज के इस मैच में 7 रन पर ही आउट हो गए, ईशान किशन 4 रन पर ही आउट हुए, नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी 0 पर आउट हुए। और इन्हीं के साथ दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन इनके भी विकेट गिरी, 34 गेंदों में 47 रन 6 चौके 2 छक्के। वहीं हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 21 रन 1 चौके 1 छक्के, वाशिंगटन सुंदर दोस्तों हाफ सेंचुरी लगाएं 28 गेंदों में 50 रन 5 चौके 3 छक्के, दीपक हुड्डा 10 गेंदों में 10 रन, शिवम मावी 2 के बाद 0-0 और उमरान मलिक दोस्तों अंतिम गेंद पर 1 चौका लगा लिए थे। वही बात करेंगे दोस्तों गेंदबाजों के बारे में, तो जेकॉब डफी को आज के इस मैच में 1 विकेट दोस्तों मिली है, और साथ ही साथ दोस्तों बता दूं तो 2 विकेट माइकल ब्रिसवेल को भी मिला, मिचेल सैंटनर को भी 2 विकेट मिली है, लूकी फर्ग्यूसन को 2 विकेट मिला है, सूडी को 1 विकेट मिली, ब्लेयर टिकनर को आज एक भी सफलता नहीं मिली। टिकनर के अलावा सभी गेंदबाजों को दोस्तों विकेटें मिली और इस मैच को न्यूजीलैंड की जो टीम है वो 21 रनों के साथ जीत चुकी है। दोस्तों बड़ा जीत, अच्छी बल्लेबाजी मिली डैरिल मिचेल की ओर से और डिवॉन कॉनवे की ओर से दोस्तों, और यहां पर 21 रनों के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है और श्रृंखला में 1-0 से आगे दोस्तों बढ़ चुकी है। और अब अगला दूसरा T20 मैच संडे को दोस्तों होगा, और वो जो मैच है वो भारतीय टीम के लिए एकदम मस्ट विन रहेगा, करो या मरो का मैच होगा, डू और डाई होने वाली है, तो वहां देखेंगे कि भारत क्या वापसी कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले मैच में, तब तक के लिए आप लोग टेक केयर एंड बी सेफ।